आज आपने किसका पुतला फूंका है? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर आज 522 दिनों से छात्र आंदोलन रहा था, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज बीजेपी के रेल मंत्री और डिप्टी सीएम आने का प्रोग्राम बना था, जो कि अभी रेल मंत्री जी आके विश्वविद्यालय से चले भी गए। जैसा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोरोना की वजह से 2 सालों से बंद पड़ा है और जनवरी में विश्वविद्यालय खुलने को ही था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कल फिर नोटिस आती है कि कोविड के कारण विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से बंद किया जाता है, क्योंकि विश्वविद्यालय खुलेगा तो छात्र उससे संक्रमित होंगे। लेकिन जब विश्वविद्यालय छात्रों के लिए बंद है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीजेपी के नेताओं को क्यों बुलाया जा रहा है? आखिर उनको स्थान कौन दे रहा है, उनको जगह कौन दे रहा है, उनको बुला कौन रहा है? इससे यह जवाब हम विश्वविद्यालय प्रशासन से हम जानना चाहते हैं। और जितने भी अनशनकारी हैं, कहीं ना कहीं अनशनकारियों के बीच इसका बहुत व्यापक रूप से आक्रोश है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया का पुतला फूंककर इसको विरोध दर्ज कराया। और यदि अब ऐसी हरकत विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा होती है तो अनशनकारी शांत बैठने वाले नहीं हैं, आज से दो दो हाथ करने के लिए तैयार। अपना परिचय दे दीजिए। अजय यादव सम्राट, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज।